नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जब से NCISM का गठन हुआ है, तब से आयुर्वेद के क्षेत्र में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिल रहे हैं। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं, अक्सर वो जो है मान्यता के समय बहुत से टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, और मान्यता जैसे ही मिल जाती है, विजिट समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे टीचर्स को रिलीव कर देता है। प्राइवेट कॉलेजेस के मामले में तो अक्सर ऐसा देखने को सुनने को मिलता है, लेकिन अभी जो नया मामला है, ये सभी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेजेस से संबंधित है। NCISM को कहीं ना कहीं से ऐसी सूचना मिली है कि बहुत से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो किसी फैकल्टी को पहले एक इंस्टीट्यूट में विजिट कराते हैं, फिर दूसरे इंस्टीट्यूट में डेपुटेशन के नाम पर अपने टीचर्स को वहाँ अपॉइंट कर देते हैं कुछ समय के लिए, और वहाँ जब विजिट हो जाती है तो फिर उनको वापस अपने जो मेन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे वापस बुला लेते हैं। तो इसकी सूचना कहीं ना कहीं से निश्चित रूप से उनको मिली है NCISM को, इसलिए NCISM ने एक नई एडवाइजरी कहें या नोटिस कहें, इन्होंने जारी किया है। और यह नोटिस अभी कुछ दिन पहले ही 15 मार्च को जारी किया गया है NCISM की तरफ से। तो क्या है डिटेल इस नोटिफिकेशन में, आपको हम डिटेल में बताते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको हमेशा यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं 15 मार्च 2024 का है, और जितने भी प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर, स्पेशली ऑल ASUS गवर्नमेंट कॉलेजेस, इसके पहले के जितने भी नोटिफिकेशन आते थे, आप देखिएगा उसमें प्राइवेट, गवर्नमेंट, सारे कॉलेजेस को लिखा जाता था, लेकिन ये स्पेशली ये वाला जो लेटर है, ये सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस को लिखा गया है। गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, डीन हैं या डायरेक्टर हैं। जो सब्जेक्ट है इसका, डेपुटेशन ऑफ टीचिंग फैकल्टी फ्रॉम वन गवर्नमेंट कॉलेज टू अनदर गवर्नमेंट कॉलेजेज, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही क्लियर कट सब्जेक्ट लिखा है, डेप्यूटिंग ऑफ टीचिंग फैकल्टी फ्रॉम वन गवर्नमेंट कॉलेज टू अनदर गवर्नमेंट कॉलेजेज। जो और इसमें मैटर है, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट सम ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेज आर डिप्यूटिंग देयर टीचिंग फैकल्टी फ्रॉम वन गवर्नमेंट कॉलेजेज टू अनदर गवर्नमेंट कॉलेजेज ऑफ द सेम स्टेट इन द सेम एकेडमिक ईयर एज पर द रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड आफ्टर वर्ड्स द डेपुटेशन ऑर्डर इज कैंसिल्ड एंड फैकल्टीज आर कॉल्ड बैक टू देयर मदर इंस्टीट्यूट विच हैम्पर्स द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो जैसा कि इन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब विजिटेशन होता है, जो भी शॉर्ट कमिंग्स NCISM के द्वारा बताई जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए एक टीचर को, एक गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर को वहाँ से डेप्यूट करके दूसरे कॉलेज में भेज दिया जाता है। तो जिस जहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स है वहाँ तो डेपुटेशन पे जब टीचर को भेजा जाता है तो वहाँ की शॉर्ट कमिंग्स सही हो जाती हैं, और जैसे ही NCISM उस इंस्टीट्यूट को मान्यता दे देता है, वापस उस फैकल्टी को वापस अपने जो उनका मेन इंस्टीट्यूट था पुराना वाला, वहाँ पे वापस बुला लिया जाता है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि जो भी ये सब चीज़ें हैं, आप एक टीचर को दूसरे में भेजते हैं मान्यता लेकर, फिर वापस बुला लेते हैं, तो होता है क्या है कि शॉर्ट कमिंग्स एज इट इज़ रह जाती है, जिससे कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो ठीक से नहीं मिल पाता। निश्चित रूप से अगर फैकल्टी की शॉर्टेज है तो शिक्षा का जो है ह्रास होना निश्चित है, उससे जो गुणवत्तापूर्ण जो चिकित्सा है वो नहीं मिल पाती है फैकल्टी की कमी की वजह से। फिर जो अगले पैराग्राफ इन्होंने लिखा है, फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट सच फैकल्टीज आर बींग ट्रांसफर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन अदर गवर्नमेंट कॉलेज बट दिस लीड टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन द करेंट इंस्टीट्यूट ऑल्सो। जो इन्होंने दूसरे पॉइंट में जो बताया है कि अगर हम किसी एक टीचर को एक कॉलेज से जब डिप्यूट करते हैं दूसरे कॉलेज में, तो जो पुराना वाला इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी डिफिशियंसी हो जाती है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डिफिशियंसी एक स्टाफ की हमेशा बनी रहती है, और ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अक्सर देखा जाता है। तो कमोबेश हर विभाग में कमियां रहती हैं, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में उनको बार बार शॉर्ट कमिंग्स को पूरा करने के लिए ट्रांसफ़र करते हैं या डेप्यूट करते हैं और फिर वापस बुला लेते हैं। तो लास्ट में फिर उन्होंने लिखा है कि देयरफॉर यू आर डायरेक्टेड टू अपॉइंट रेगुलर टीचिंग फैकल्टी एंड नॉट टू बी डेप्यूट टीचिंग फैकल्टी टू अनदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। इसलिए इन्होंने कहा है कि अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो आप जो है डेपुटेशन की बजाय जो रेगुलर फैकल्टी है उनकी नियुक्ति की जाए, जिससे कि शॉर्ट कमिंग्स ना हो पाए और बार बार जो ट्रांसफ़र और डेपुटेशन करना पड़ता है उसे बचा जा सके। और ये लेटर जो है इतने लोगों को कॉपी भी किया गया है, द चेयरपर्सन NCISM, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ऑफ ऑल कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टर ऑफ आयुष ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड गार्ड फाइव।
लगभग सारी चीज जो भी इससे संबंधित जो अधिकारी हैं आयुष मंत्रालय के या डायरेक्टर हैं उन सबको लेटर भेजा गया है। तो निश्चित रूप से इस आने वाले समय में जो है बहुत सी रेगुलर वैकेंसीज आएंगी, और जो अब तक कॉन्ट्रेक्चुअल के बेस पे या डेपुटेशन या ट्रांसफर से जो शॉर्टकमिंग्स पूरी की जाती है निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी और रेगुलर फैकल्टी अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्द इसमें हो पाएगा, और निश्चित रूप से इससे आयुर्वेद की जो एजुकेशन है उसमें सुधार होगा।